गाइज जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को और बेटर बनाएंगे। सो चलिए, ये हमारा पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जूलॉजी का हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हो चुका था हमारा और ये हमारा पार्ट सेकेंड है जूलॉजी का। और जैसे कंप्लीट हो जाता है तो बॉटनी, फिजिक्स और इसके बाद केमिस्ट्री, यही हमारा चलता रहता है चक्कर, ठीक है, साइकिल। क्योंकि आपका जो बी एस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं की तैयारी हम आपको करवाते हैं। तो अगर आप भी बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, आपको भी रोज़ाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि ह्यूमलिन क्या है। ह्यूमलिन क्या है? ह्यूमलिन इज काइटिन का रूप, पाचक प्रकीर्णन, मानव इंसुलिन प्रतिजैविकी, फॉर्म ऑफ साइटिन काइटिन, डाइजेस्टिव फॉर्मेट, ह्यूमन इंसुलिन, एंटीबायोटिक। ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपके बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो बस ऐसे टिक लगाना है और ऐसे टिक लगाने के नंबर है, ठीक है। डायरेक्टली नंबर भी मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। देखो गाइज, और स्कोप की बात करें तो स्कोप तो बहुत सारा है इस कोर्स में। सो आपने लगा दिया होगा टिक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मानव इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ह्यूमलिन क्या है? मानव इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो रोज़ाना मिलेंगे आपको, रोज़ाना, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको, तो रोज़ाना मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह नियम कहलाता है। टू स्पीसीज कैन नॉट लिव टुगेदर इन ए नेच, दिस लॉ थ्योरी इज कॉल्ड विन थ्योरी, एलन थ्योरी, गॉस थ्योरी या फिर मेंडल थ्योरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, जिसने जूलॉजी 11th और 12th में अच्छी पढ़ी होगी तो वो तो इजीली कर देगा। और आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन 11th और 12th से ही बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। सो सिंपल, आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गॉज सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है आपका, पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण था? प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मिक्सर ऑफ CH4, NH4, जलवाष्प, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण था? आपको राइट ऑप्शन टिक लगाना है। क्वेश्चन की तो बिल्कुल फिक्र मत करो गाइज, हम जितना हो रहे उतना आपको दे पा रहे, ठीक है। और आपके लिए दो चैनल हमने अवेलेबल करवा रखे, एक तो आप ये देख रहे हो, एक हमारा GK MCQ MK चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम रोज़ाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जाके सब्सक्राइब कर लेना उसको भी, GK MCQ MK। तो फिलहाल आपको आंसर आ गया होगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार का गैसों का मिश्रण था, ये ओल्ड बहुत आपका जो चैप्टर है ना वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्सिस को एटलस में विभाजित करती है, एक्सिस इज डिफरेंटेड फ्रॉम एटलस बाय द, न्यूरल चाप की उपस्थिति, सेंट्रम की अनुपस्थिति, ऑटोडाइल प्रवर्त की उपस्थिति, उपयोग सभी। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओडोनटाइड प्रवर्त की उपस्थिति, ठीक। अगला क्वेश्चन,
कौन सी कोशिका न्यूरोस से संबंधित होती है? विच सेल रिलेटेड विच न्यूरोन? स्वान सेल, निसल ग्रेन्यूल्स, डेंड्राइट, एक्जोन, हीलुक। कौन सी कोशिका न्यूरोस से संबंधित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वान सेल्स। नेक्स्ट, रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने वाला प्रदूषक है? द पोल्यूटेंट विच डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड? CO, CO2, SO2, इनमें से कोई नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट है गाइज, रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता घटाने वाला प्रदूषक है, बट सभी का सही जाना चाहिए ऑलमोस्ट। मैंने कई बार हमारे जो GK MCQ जेम के चले वहाँ पर भी प्रैक्टिस कराई हुई इनकी, ठीक है? तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए GK MCQ MK, ठीक है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि नहीं करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। दोनों चैनल के दुगना पोर्शन मिलेगा आपको। सो उस चैनल पर मैंने आपको बता दिया था, तो आपको भी आंसर आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गया, समझो विष बन गया, ठीक है? किसी समष्टि में आबादी जनन की क्षमता को कहते द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड फर्टिलिटी, बायोटिक पोटेंशियल, केयरिंग कैपेबिलिटी, नेशनलिटी। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव। नेक्स्ट, मानव प्लेसेंटा है, ह्यूमन प्लेसेंटा, हेमोकोरेल, योक्सेक, सिंडेस्मिकारियल या फिर हेमो एंडोथेलियल। मानव प्लेसेंटा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेमोकोरेल। नेक्स्ट, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है। Sometime water blooms show in lake due to पोषण की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी, झील में शाकाहारियों की अनुपस्थिति। तो अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो सिंपल, ऑक्सीजन की कमी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो उपस्थित है तो समझो कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है? वाटर ब्लूम्स का पाया जाना, तो अगर नहीं पाया जाता तो समझो कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अगर पाया जाता है तो समझो कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। क्वेश्चन तो इस प्रकार के रोजाना मिलते रहेंगे, बस आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करना, घंटे का बटन आता है ना उसको प्रेस करना। मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड। एम्ब्रियोटिक गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में, प्लेंटोस में, प्लूरल गुहा में मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, किसमें रहता है गाइज? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्ब्रियोटिक गुहा में, ठीक है? एम्ब्रियोटिक गुहा में। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे गाइज, अब चलते आगे की ओर। लीनेस का पादप वर्गीकरण है, इसका भी हम GK MCQ JMK चैनल पर करा चुके थे, तभी तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि GK MCQ MK चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहाँ के जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो यहाँ पर काम आ सके, ठीक है? सो आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल, यानी कि लीनेस का पादप वर्गीकरण है आर्टिफिशियल, ठीक है? नेक्स्ट,
पेलेग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है, इसका भी हम जीके एम्स को जैम के चैनल पर प्रैक्टिस करवा चुके हैं। बहुत अच्छे से करवाई है सभी विटामिन की, और विटामिन से 100% हर बार क्वेश्चन बन सकता है गाइस। विटामिन से क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में बनता है, ठीक है। तो जीके एमसीक्यू एमके चैनल बहुत काम का है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, ठीक है। जाके फॉलो कर लेना ईमानदारी से, ताकि आपका भला हो सके, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। हम तो यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोचिंग सेंटर तो बंद है, तो हम आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल करवा रहे जितना हो सक रहा है, और इंट्रेंस हमने भी क्रैक किया है इसी तरह, ठीक है। वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और आपका पैसा ना लगे, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस पर आपका काम बन जाए, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइसिन, यानी कि निकोटिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये होता है पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन में आपको कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, विटामिन विटामिन का केमिकल नेम, रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कमी से क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसके सोर्स इस बोलते हैं ना कि किस किस में पाया जाता है, तो इसके सोर्स भी आपको पता होना चाहिए, स्रोत, ये चीज़ें तो आपको कंपलसरी होना चाहिए। जल में विलेय कौन सी है विटामिन, वसा में विलेय कौन सी है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि जल में तो दो ही विलेय है, उसको याद रखना है WBC, यानी कि वाटर, BC विटामिन बी और सी वाटर में विलेय, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी है वो वसा में विलेय, और ट्रिक भी बताई थी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है जेकलॉन जॉब चैनल पर, जाके देख लो आप, सारा क्लियर हो जाएगा विटामिन का। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए विटामिन का ऐसे सोल्व कर देंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, DNA संश्लेषण को कहते हैं, DNA सिंथेसिस इज नॉन एज रूपांतरण, अनुलेखन, परिक्रमण, रोटेशन इसको बोलते हैं, सव प्रतिकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि आपको फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, चलाते होंगे मोबाइल है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। कुछ भी बात अगर बतानी हो तो वहाँ पर मैं पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, कोई भी चलाते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे फेसबुक पेज का, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी सवाल पूछना हो तो वहाँ पर रिप्लाई ईजिली मिल जाता है फेसबुक पे, क्योंकि कमेंट में तो आपके बहुत सारे आते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन फेसबुक पर अगर चलाते हो तो फॉलो कर लीजिएगा, आप ही का ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, DNA संश्लेषण को कहते हैं सिंपल सव प्रतिकरण, क्या बोलते हैं, सव प्रतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, सव प्रतीक्षित रोग है यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज, एड्स, अस्थमा, हीमोफीलिया या फिर मायस्थीनिया ग्रेविस। सो गाइज ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि हमारी सेल्स है ना, ठीक है, हमारी सेल्स ही हमारी उस कोशिका को फोरिजन बॉडी समझ के हमारी कोशिका पर अटैक कर डालती है, ऐसी कंडीशंस को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कौन सी होती है ये तो आपको पता ही होगा, एड्स तो होगा नहीं, अस्थमा तो होगा नहीं, ठीक है, हीमोफीलिया भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन मायस्थीनिया ग्रेविस। हमारे जो इंडियन एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन, उनको भी शायद मायस्थीनिया ग्रेविस से पीड़ित थे, जब आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना गाइज, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का, जीके एम्स को जैम के चैनल का भी और फेसबुक का लिंक, हमारा जो पेज है उसका भी, ठीक है। सुपोषण निम्न में से देखा जा सकता है, यूट्रोपिशन इज लोकेटेड लवणी मृदा में, झील में, मरुस्थल में या फिर कृषि क्षेत्रों में। सुपोषण निम्न में से देखा जा सकता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका झील में, ठीक है। अब 16 से 30 यानी कि हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो इनमें से ईमानदार से बताना कितने क्वेश्चन सही गए, अगर एक दो भी गलत चले गए, दो से तीन भी,
तो जितने भी वीडियो ना सभी को देखना, ये सजा है आपकी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप 15 में से 50 ले जाओ, और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी आप अच्छे खासे नंबर लेके आ जाओ, ठीक। तो आप हमारे जो चैनल है GKMCQJMK चैनल, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक करके पहुँच जाओ अपने मकसद पे, ठीक थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए MCQs के साथ। ओके, धन्यवाद।